इनसे डरने की कोई वजह नहीं है, बता क्या हुआ? वो बात ये है, बात ये है बीजी कि वो मेरा पर्स मंदिर में चोरी हो गया था। मैंने घर पे फोन किया तो श्यामा दीदी मुझे लेने चली आई। शायद आप उसी वक्त आई होंगी ना घर पे। अब वहां से जब आ रहे थे तो टैक्सी ही नहीं मिली, बहुत बारिश हो रही थी, देर भी हो रही थी, तो हम पैदल आ गए और बारिश में भीग गए। अच्छा, यही बताना था ना, बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है, ये सब नौटंकी कर रही हैं। हम कल पैदा नहीं हुए, इसको तो मैं बस। दोनों भीग गई हैं, दिख नहीं रहा आपको? जाओ अपने कमरे में, कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। जाओ। किधर भ्रमण करने गई थी आधी रात को? कुछ लाज शर्म है कि वो भी घोट कर पी गई? कौन सी नई ड्यूटी कर रही थी जिसके लिए तू इतनी उतावली हो रही थी इतनी रात को? श्यामा, ये सपना नहीं है, हमारा प्यार सच्चा है। अब ये खुशियां तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगी श्यामा। आपका विश्वास खो दिया है अखिल, खो दिया है मैंने आपका विश्वास। नहीं हूं मैं आपके लायक, नहीं हूं। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, पर नहीं भुला पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हर लड़की में तुम्हें ढूंढता था, जितना ढूंढा उतना तुम नहीं मिली। पर मिलती भी कैसे, मेरी नंदिनी तो सिर्फ एक ही है इस दुनिया में। मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं हमारे लिए। कैसी मझधार में मुझे डूबता छोड़ के चले गए यानी। जो कुछ हो रहा है उन सब के गुनहगार तुम। काश तुम मेरे पास होते, सिर्फ मेरे होते, तो कुछ नहीं बदल। तुम्हारी यादों की जंजीर में तोड़ना चाहूं तब भी नहीं टूटती अनी। कोई ना कोई वजह मुझे तुम्हारी दुनिया में वापस ले ही आती है। नहीं आना चाहिए था मुझे यहां, नहीं करना चाहिए था तुमसे प्यार।
जो कुछ भी हो रहा है नानी, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुम आज नहीं हो मेरे पास। जिससे भी प्यार किया मैंने, वो बारी बारी सब छोड़कर चले गए। पापा, तुम और आप, क्या दिन था आज का, इतना स्ट्रेसफुल। पहले एक्सीडेंट, फिर हॉस्पिटल, और आरती जी के एफआईआर के लिए फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। सुने तुम बारिश में अटक गई थी? तुम ठीक तो हो? श्यामा, सो गए? अब तक सोई नहीं अम्मा जी? अरे ससुरी, नींद कहाँ आती है इस घर में, इतना हल्ला जो मच रहा है, नींद कहाँ से आएगी? आ बैठ। चलिए हम आपके पांव दबा देते हैं। अरे नहीं बिटवा, रहने दे। सारा दिन चौकी में पिसता रहता है और रात को आकर अपनी अम्मा जी की सेवा करेगा? पकला, हम इतने निर्दय नहीं है। अच्छा, अब आरती जी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, बस एक बार उन्हें होश आ जाए तभी अनुमान लगा पाएंगे। राधे कृष्णा, बेचारी क्या करने आई थी और क्या हो गया। हम तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आरती जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सच में? हाँ। आपको मीरा की माँ की चिंता कब से होने लग गई? हम चाहते हैं कि मीरा की माँ जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो चुड़ैल मीरा दोबारा इस घर में डेरा न डाले। अम्मा जी, अब कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? जब भी हम सच बोलते हैं ना, तो जहर का तीर चुभता है तुम्हें। अम्मा जी, एक बात बताइए, हमारे बाबूजी की मृत्यु कैसे हुई थी? जितना मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। रातों रात चाचा जी मुझे दिल्ली लेके आए थे बाबूजी के दह संस्कार के लिए, और हमने ही मुखाग्नि दी थी। कैसे मैंने वो सब कुछ किया मुझे आज तक याद नहीं। बताइए ना अम्मा जी, हमारे बाबूजी की मृत्यु कैसे हुई थी? हमने तुम्हें बताया था ना बिटवा? आपने मुझे ये बताया था कि कुछ छोटे मोटे थग थे जो बाबूजी के पर्स और घड़ी चोरी करने के चक्कर में उन्हें छुरा खोप के चले गए। जो हुआ था हमने बता दिया, लेकिन आज अचानक
तुम अपने बाबूजी की मृत्यु का कारण क्यों जानना चाहते हो? आपने मेरा फोन नंबर आरती जी को दिया था ना? हाँ, तुम्हारे बाबूजी और आरती जी के पति बहुत पुराने दोस्त निकले। मुझे आपके फादर की हत्या के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। Can I meet you urgently, please? वो बेचारी अकेली औरत सोचा कि मुसीबत में कभी। बहुत अच्छा किया अम्मा जी, बहुत अच्छा किया। आरती जी का मुझे फोन आया था, मुझसे मिलना चाहती थी, घबराई हुई थी। फोन पर आरती जी ने मुझसे ये कहा था कि उन्हें एक बहुत पुरानी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी जो हमारे बाबूजी ने उनके पति को लिखी थी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि उस चिट्ठी में बाबूजी की मौत की सच्चाई लिखी हुई है। अम्मा जी, ऐसा क्या लिखा हुआ था उस चिट्ठी में जिस वजह से आरती जी इतनी घबराई हुई थी? क्या कभी बाबूजी ने इस चिट्ठी के बारे में आपसे कोई जिक्र किया था? अम्मा जी, आपको कुछ भी अनुमान है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ आ सकता है? अम्मा जी बताइए, बताइए उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ था? तुम्हारी मॉम कैसी है? जब तक मम्मा को पूरी तरह से होश नहीं आ जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। आउच! मीरा, मीरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? Can you feel it? बेबी ने पहली बार मुझे किक मारा। क्या महसूस? महसूस किया? तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं, इट्स ओके। Thank you.
अगस्त्य। थैंक यू सो मच अगस्त्य। अब प्लीज तुम घर जाओ, रात भर जागे हो, थक गए होंगे ना। अब मैं मम्मा के पास रहूंगी। मेरा अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए तो इमीडिएटली नर्स को बता दे। ओके ठीक है। साल मैं आपसे दूर रही, कितने साल आपने अकेले गुजारे। अब हम साथ हैं मां, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। जिंदगी में पहली बार लगा मुझे कि मैं अकेली नहीं हूं, कोई है जो जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरे नखरे उठा सकता है। मेरी माँ है मेरे पास। मम्मा, डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कहे, आपको मेरे लिए ठीक होना होगा। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? आंखें खोलिए ना प्लीज। आज पालक की सब्जी बनाना, पालक को अच्छी तरह से धोना। जा काम चोर कहीं का जा। पुलिस। पुलिस साहब हैं क्या? हम उनकी अम्मा जी हैं। क्या काम है? साहब ने बोला था जब ये बैग मिल जाए तो घर पहुंचा देना। औरत के बैग के साथ साहब का क्या लेना देना? माता जी, कल जो थाने के सामने एक्सीडेंट हुआ था वहाँ ये बैग गिर गया था। हमने जिस चोर को पकड़ा उसके पास से ये मिला है, और जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था उस औरत का नाम आरती है। और वो साहब की जान पहचान की है। इसीलिए बैग घर पे लेके आया हूं। मीरा की माँ का बैग? अच्छा ठीक है, हम साहब को दे देंगे। यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ ठीक है, जाओ। अम्मा जी, ऐसा क्या लिखा हुआ था उस चिट्ठी में जिस वजह से आरती जितनी घबराई हुई थी? क्या कभी बाबूजी ने इस चिट्ठी के बारे में आपसे कोई जिक्र किया था? अम्मा जी, आपको कुछ भी अनुमान है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ आ सकता है?